मजीद आगे बढ़ने से पहले आप साहिबान से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ख्वाब नबूवत का 40वां जुज है। दोस्तों, ख्वाब में सांप को देखना, इसका ताबीर बहुत से उलमाए किराम ने अपने किताबों में मुख्तलिफ दलाइल इस ख्वाब पर पेश की, लेकिन इनमें से एक जैसे नुकात निकालकर इस वीडियो की शक्ल में आप साहिबान के सामने पेश कर रहा हूँ। अगर किसी हामिला औरत ने ख्वाब में ये देखा कि इस नए सांप को जन्म दिया है, जैसे औरत बच्चे को जन्म देती है, तो इस ख्वाब का ताबीर है कि इसके यहाँ अपाइज बच्चा पैदा होगा। अगर किसी मरीज ने ख्वाब में सांप तेज़ी से चलते हुए देखा तो मरीज मर्ज में बहुत मुद्दत तक रहेगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि खाली सांप को देखना तो इसका ताबीर दुश्मन और दुश्मनी पर दलालत करता है। अगर सांप ने अपनी शक्ल बदल दी तो इसका मफहूम यह है कि आपका कोई अपना ही दुश्मन आपके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। ख्वाब में सांप का गोश्त खाना माल मिलने की दलील है। अगर किसी ने देखा कि वो सांप बन गया तो दलील है वो लंबी उम्र पाएगा और ताकत हासिल करेगा। दोस्तों, बुरे ख्वाब देखने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करना, सदकात और खैरात करना, क्योंकि दुआ इंसान की तकदीर बदल सकता है। आखिर पे यही गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए।